ग्वालियर के नेहरू कॉलोनी स्थित गोल्डन टावर के पिलर में स्क्रैच आने के बाद टावर को जहां प्रशासन द्वारा खाली करा लिया गया, तो वहीं टावर में रहने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई स्थायी निवास की व्यवस्था नहीं की गई है और टावर के निवासी होटल, सड़क और रिश्तेदारों के यहां समय बिताने को मजबूर है। ऐसे में गोल्डन टावर की परेशान महिलाओं द्वारा SP ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और टावर मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। SP ऑफिस प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि बिल्डिंग मालिक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनके रुकने की व्यवस्था भी प्रशासन करे। हमारी मल्टी है ना, पूरी है ना, नीचे आ चुकी है, पूरे पिलर वगैरह सारे डैमेज हो चुके हैं और हम लोग परेशान हैं। ये परसों की घटना है, शाम की 7 बजे। हाँ, पिलर डैमेज होके पूरी मल्टी में एकदम ऐसा लगा जैसे भूकंप आ चुका है। मैं गलती तो है ना नगर निगम भवन अधिकारियों की भी है और बिल्डर की भी है, दोनों की मिलके है। अब मैं SP साहब से मिलने आए हैं क्योंकि उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने अभी तक है ना दो दिन हो चुके, बिल्डर ने आके कुछ हमको बोला भी नहीं है, हमने उसको देखा भी नहीं है, फोन करा फोन भी नहीं उठा रहा, ना आ रहा हमारे सामने, नहीं रह पा रहे। हम तो इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हमारे है ना 27 फ्लैट है, 12 सारे लोग सामान भी नहीं लेते बनना, खरीदे हुए हमें हो गया, यानी 2016 में लिए और इतनी जल्दी डैमेज हो गई मल्टी। मल्टी रेत की बनी हुई है, सीमेंट बजरी की नहीं बनी, रेत की बनी हुई है, फाउंडेशन रेत की बनी हुई है। हमारी मांग है हमें दूसरा नया बनवा के दिया जाए, मल्टी में जितने फ्लैट है वो दूसरे बना के दिए जाए या फिर हमारा पैसा वापस किया जाए ब्याज के।